इमोशनल ईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक ना एयरक्राफ्ट है, वो कह रहा है एयरक्राफ्ट है विद विंग स्पैन 40 मीटर, 40 मीटर का विंग स्पैन है, फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट ऑल्टीट्यूड इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थ का बिल्कुल नॉर्थ है, यानी कि पोल्स के ऊपर है, तो पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे गिरती है, यानी कि एंगल ऑफ डिप उसमें जीरो, बिल्कुल स्ट्रेट जीरो होता है, और इसके अंदर बेसिकली क्या, सॉरी 90 होता है, 90, तो एंगल ऑफ डिप 90 होता है और स्ट्रेट लाइंस गिरती हैं, तो सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो इसमें नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ओनली वर्टिकल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, और क्या हो रहा है उसमें एक प्लेन उड़ रहा है, तो अगर ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, लाइंस बिल्कुल वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइंस को कट करता हुआ जा रहा है, तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ। कितनी? बीएलवी, वो रॉड की तरह काम कर रहा है, तो रॉड में मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, बीएलवी, लेकिन बी किस, कौन सा, वर्टिकल, कौन से बी को कट करता हुआ जा रहा है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट को कट करता हुआ जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिर रही है और प्लेन परपेंडिकुलरली कट करता हुआ जा रहा है, तो बीएलवी, तो इसके अंदर लेंथ पता है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट पता है, वी पता है, तो बीएलवी की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बी कौन सा यूज करना है, ओनली वर्टिकल कॉम्पोनेंट। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 13, पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है मान लो ऐसे, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर, तो लेंथ गिवन है आपको इसमें, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप भी गिवन है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप 90 नहीं है, यहाँ पर 30 है, इसका मतलब कि पोल्स पर नहीं उठ रहा, अब यानी कि लाइन स्टेडी आ रही है, पर प्लेन जो है वो किसको कट करता है, सिर्फ वर्टिकल कॉम्प, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल उड़ता हुआ प्लेन है वो वर्टिकल को कट करता हुआ जाएगा, हॉरिजॉन्टल को तो कट करेगा नहीं, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? तो आपको इसके अंदर वी पता है, लेंथ पता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पता है और डेल्टा भी पता है, तो आप एक काम करें, टैन डेल्टा क्या होता है, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटू टैन डेल्टा, तो आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पता है, डेल्टा भी पता है, यहाँ से वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ गया, और फिर से एक बार एरोप्लेन के लिए बी एल वी में बी कौन सा, वर्टिकल, तो बी वर्टिकल इंटू एल इंटू वी, क्या पॉइंट क्लियर है आंसर। तो जब एरोप्लेन उड़ेगा तो उसमें बी एल वी लगेगा और बी कौन सा लगेगा, हमेशा वर्टिकल ही लगेगा, ठीक। नेक्स्ट 14th, इसके अंदर एक रेलवे ट्रैक है रनिंग नॉर्थ साउथ,
हैज टू पैरेलल रेज 1 मीटर अपार्ट, तो रेल्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ट्रेन की चौड़ाई भी 1 मीटर है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रेल्स, 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई इसमें. व्हेन ट्रेन पासिस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह ट्रेन भी ऐसी जा रही है. क्या कट करेगी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट. देखो प्लेन हवा में उड़ रहा है, ट्रेन नीचे चल रही है, तो प्लेन भी वर्टिकल को कट करता है और ट्रेन भी वर्टिकल को ही कट करती है. तो इससे जब ट्रेन या प्लेन का क्वेश्चन आएगा तो बीएलवी में क्या पुट करेंगे, भी वर्टिकल ही पुट करेंगे. और क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप गिवन है और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल और डिप से पहले वर्टिकल आएगा. वी पता है बीएलवी से ईएमएफ आएगी, पर बी कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल. प्लेन ट्रेन में वर्टिकल कॉम्पोनेंट यूज करेंगे, बात खत्म. लेकिन ये कंडक्टर वाला केस देखो, देखो अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. देख रॉड नीचे गिर रही है 10 मीटर, सो दैट इट कट्स द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर. तो रॉड कैसे गिर रही है, वर्टिकल. वर्टिकल कॉम्पोनेंट किसको कट करता हुआ जाएगा, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल उड़ती हुई बॉडी किसे कट करेगी, वर्टिकल. वर्टिकल गिरती हुई बॉडी किसे कट करेगी, हॉरिजॉन्टल. तो इसमें बीएलवी में क्या लगेगा, भी हॉरिजॉन्टल. अब वेलोसिटी कब निकालनी, जब 10 मीटर नीचे गिर गया. 10 मीटर नीचे गिरने का मतलब वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2g × 10. वी निकाल लिया, बीएलवी से आंसर आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, यही इसमें कॉन्सेप्ट है. अब जैसे ये देखो, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये रॉड्स हैं, रॉड का बना हुआ क्यूब है, और ये फर्स्ट केस में कैसे मूव कर रहा है, मेरी तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ वी. मैग्नेटिक फील्ड का है मेरी तरफ वी पी. आपको हर रॉड का बताना है कि मोशनल ईएमएफ क्या होगा. तो ये बताओ कि मोशनल ईएमएफ की कंडीशन क्या है बीएलवी की, बी एल और वी आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री. तो अगर मैं किसी भी रॉड को कंसिडर करूं, उसमें V और B में एंगल हमेशा क्या बनेगा, जीरो. जैसे ये रॉड है, कहाँ मूव कर रही है, राइट. B कहाँ है, राइट, तो एंगल जीरो. तो इसमें मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, जीरो. इस केस में लेंथ भी राइट, V भी राइट, B भी राइट, जीरो. इस केस में V भी राइट, B भी राइट. देखो V और B में हर वक्त एंगल क्या बना हुआ है, जीरो. तो किसी भी रॉड में मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि V और B आर पैरेलल टू ईच अदर. समझ में आ रहा है यहाँ तक.
लेकिन अगर वो कहते हैं वी ऊपर है और बी राइट है, देखो अब वी और बी में एंगल 90 दे दिया उसने, तो अब इस केस में ये बताओ कि इस रॉड का मोशनल ईएमएफ क्या होगा, होगा या नहीं होगा इस रॉड का? क्यों? क्योंकि लेंथ और वी आर इन सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री पे है, तो नहीं होगा इसमें। इसका क्या होगा? नहीं होगा। इसका भी क्या होगा? नहीं होगा। इसका क्या होगा? नहीं होगा, कि लेंथ और वी आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं इसका। अब ये और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पे हैं, राइट, और बी वेक्टर कहाँ है? राइट। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी, लेंथ और बी आपस में 90 पे हैं, तो बी एल वी आंसर है। ऐसी इसमें भी बी एल वी, इसमें भी, और इसमें भी बी एल वी, बी एल वी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? बी एल वी, बी एल वी, क्लियर है। और जो वायर ऐसी दिख रही है आपको, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल क्या हो गया? जीरो। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि एल और बी में भी एंगल क्या होना चाहिए? 90। इसमें नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? कैसे करना है? 17। सर हाँ जी, ट्रेन सर एक बार वो ट्रेन वाला क्वेश्चन बता दो, उसमें वर्टिकल कंपोनेंट ट्रेन के और लिए। प्लेन में कोई फर्क नहीं है। जो ट्रेन है वो भी हॉरिजॉन्टल चलती है, वर्टिकल को कट करती हुई जाती है। प्लेन भी हॉरिजॉन्टल चलता है, वर्टिकल को कट करती हुई जाता है। पर उस क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेन मूव्स नॉर्थ साउथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काटेगी तो वर्टिकली ना, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ओके सर। 17th, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज। क्वेश्चन है, इसके अंदर फिगर शोज अ कंडक्टिंग रॉड पी क्यू इन कॉन्टैक्ट विद मेटल रेल्स आर पी एंड एस क्यू। तो आर पी और एस क्यू के बीच में ये पी क्यू रॉड है, विच आर 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला। 25 सेंटीमीटर अपार्ट है और इसमें बी की वैल्यू आपको इसमें अंदर की बना है। एंड्स आर एंड एस आर कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस। आर और एस के बीच में रेजिस्टेंस 5 ओम है। वॉट इज द ई एम एफ वेन रॉड मूव टू द राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 5? तो रॉड अगर मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5, तो इसमें ई एम एफ क्या होगी? बी एल वी। लेंथ इसकी 25 है, बी आपको पता है, वी आपको पता है, एक आंसर। दूसरा आंसर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। आपने फर्स्ट पार्ट में बी एल वी निकाल लिया, उसको रेजिस्टेंस 5 से डिवाइड कर लिया, करंट आ गया। करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, थंब राइट है, तो करंट कहाँ पर है? ऊपर है। तो करंट यहाँ पर फ्लेमिंग के रूल में यहाँ लगाना है, तो करंट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऊपर। यहाँ जाएगा तो 5 ओम में कहाँ आएगा? नीचे आएगा, 5 ओम में नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इसमें कि इफ़ दी रॉड मूव टू दी लेफ्ट विद सेम स्पीड, वॉट विल बी दी न्यू करंट एंड डायरेक्शन? तो इधर की बजाय अगर इधर जाएगा, करंट सेम रहेगा, लेकिन करंट एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट,
ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? किया हुआ है क्या? क्वेश्चन है, एक रॉड एल लेंथ की रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेटिंग रॉड का फॉर्मूला किया तो हुआ है, हाफ बी ओमेगा इन टू एल स्क्वायर वाला, ये सेम है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सेम है, तो ऑलरेडी डन, जो मैंने शीट में किया हुआ है रोटेटिंग रॉड वाला, दो मेथड से किया था हमने लास्ट टाइम, ये सेम क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसने किया हुआ है, हमने यहाँ तक तो ई किया ही हुआ है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, सेम डेरिवेशन है। करंट क्या होगा? ई एम ए बाय रेजिस्टेंस, एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें पावर डिसिपेटेड क्या होगी? हीट की फॉर्म में, ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो ई मोशनल ई एम एफ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ई का स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। 19th, तो क्वेश्चन है, अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है बिटवीन द रिम एंड एक्सिस ऑफ द डिस्क। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला, ये एक डिस्क है, ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर के अंदर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विद ओमेगा, ठीक है। आपको ईएमएफ निकालनी है कहाँ पे? रिम पे और सेंटर, इसके इसके बीच में ईएमएफ निकालनी है। पहला आसान तरीका, ये डिस्क इमेजिन करें बहुत सारी रॉड से बनी हुई है, लेंथ रॉड्स, ठीक है, उनमें से एक रॉड ले ली। जब ये रॉड घूमेगी तो आपको यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो इमेजिन कर लिए रॉड है, और रॉड जब घूमती है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? यही तो आती है, हाफ वी आर स्क्वायर ओमेगा, डन, करने की जरूरत क्या है? डिस्क का और रॉड का आंसर एग्जैक्टली क्या आता है? सेम, क्योंकि पॉइंट्स तो दो ही रहेंगे ना, डिस्क का क्या करना, पॉइंट्स तो दो ही हैं जिनके बीच में ईएमएफ निकालनी है, रॉड के भी दो हैं, डिस्क के भी दो ही हैं, तो आंसर सेम रहता है। हालांकि इसने थोड़ा सा और लंबा किया हुआ है, इसने कहा कि जब एक रॉड पूरा घूमेगी तो फ्लक्स कितना लेके आएगी? बी इंटू पाई आर स्क्वायर फ्लक्स जनरेट होगा। ईएमएफ क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स अपॉन एक घूमने का टाइम पीरियड कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा बाय टू पाई, पुट करके आंसर आ गया, ठीक है। प्रूफ आ जाए तो ये कर देना, नहीं आए अगर ऑब्जेक्टिव आए तो सीधा फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें। डिस्क के केस में लिखें, इन केस ऑफ अ डिस्क इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन रिम एंड एक्सिस ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला लिखें, ये लिखें फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन करना, 24th,
0.5 मीटर लॉन्ग रॉड पी क्यू कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये रही लेंथ पी क्यू, वेलोसिटी वी है और डिस्टेंस आर है, स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो, इस क्वेश्चन में दे रहा है कि लंबाई आर पता है आपको, इसमें पी पता है, रेजिस्टेंस पता है, फोर्स कितनी चाहिए ताकि इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके। हमने एक फोर्स का फॉर्मूला किया था आज, तो वो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर वाला, क्या फॉर्मूला था फोर्स का, फॉर्मूला था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दें आंसर, तो समझ में आ रहा है क्या करना है। तो बाकी जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं ये आपने होमवर्क करनी है, यदि होमवर्क है आपका तो ट्राई करनी है आपने, ठीक है। तो इसे नोट करें होमवर्क।